इंटायर पी वी आर फैमिली हैज अज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द इंडियन टेलीविजन एक्टर वरुण धवन बिकॉज इनकी जितनी भी मूवीज आई हैं सारी ट्रेलर से लेके पिक्चर्स तक पी वी आर में ही रिलीज हुई हैं और सारी ब्लॉक बस्टर्स रही हैं तो मुझे लगता है कि टी वी आर सिनेमाज और वरुण धवन एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है मैं चाहूंगी एक बड़ी जोरदार तालियां हो जाए इस बात पर सो विद दिस वरण धवन वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिस्टर शुजित सरकार फॉर य्यू मूवी अपकमिंग मूवी ऑक्टोबर एंड नाउ विल स्टार्ट विद द फोर डी एक्स एक्सपीरियंस की आपका फोर डी एक्स एक्सपीरियंस कैसा था प्लीज से अ फ्यू वर्ड एंड टेल एस अबाउट द फोर डी एक्स एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो अबाउट योर मूवी ऑक्टोबर सो so, uh, पहले तो पी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स कि दिल्ली में आपका पहला फोडी एक्स आप लोगों ने शुरू किया है फोडी एक्स समथिंग दैट मैंने एक्सपीरियंस किया है एंड आई एम वेरी प्राउड कि अब ये इंडिया में आ चुका है विथ पी वी आर आई वॉच द फिल्म इन फोर डी एक्स एंड इट्स आई रिमेंबर मैंने फास्ट और फ्यूरियस देखी थी फोडी एक्स में और बहुत ही बेहतरीन है बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है लाइक वी ऑल जस्ट सॉ इनफैक्ट जब अक्टूबर uh, का ट्रेलर भी चल रहा था तब 4DX एक्स uh, का फीलिंग मिल रहा था और थोड़ा सा वो धुआ हुआ आ गया था तो मुझे लगा मैंने बोला था कि इज दिस द स्मॉग क्योंकि जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे उस वक्त थोड़ा सा स्मॉक था और वो भी आ चुका था थिएटर में एंड एंड जो विंड फ्रॉम लेफ्ट से विंड आ जाता है थोड़ा मिस्ट आ जाता है एंड आई थिंक इट्स इट्स अ वेरी कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस दैट मेक्स यू फील कि आप वो किरदार जीर है योर राइट देव विद द कैरेक्टर्स एंड आई थिंक वेरी सून इंडिया विल बी मेकिंग फिल्म विच आर फोर डी एक्स इनफैक्ट I was just telling Shalu that I have a film which, November will which is a dance film uh, with Remo, which we could, which could be India's first 4DX release as well. So, yeah. fingers wow. crossed on that. Uh, Mr. Uh, sir, uh, um, you? Thank you so much. to Namaskar. Delhi, my favorite city, I am Thanks to PVR for associating with us with the film October, and I think this is the first time that I have experienced this uh, 4DX. एक्सपीरियंस एज़ यू से थिंक इट्स विल भी वेरी गुड फॉर स्पेक्टिकल फिल्म जिसके लिए आप हम लोग आते हैं स्पेशली बिग फिल्म जिसके अंदर हम लोग थ्री डी एक्सपीरियंस करते हैं साथ में अगर हम उसका फीलिंग भी ले लें तो आई थिंक uh, और मज़ा आएगा सो माई कंग्रेचुलेशंस मुझे लगता है बाई नेक्स्ट ईयर शायद अंडर टू हंड्रेड थिएटर्स विल भी फोर डी एर्स पॉसिबली सो दैट विल बी रियली बिग एंड इट्स गुड बी बिग सिनेमेटिक एक्सपीरियंस एक्चुअली एंड इट्स अ वे अहैड इन टर्म्स ऑफ सिनेमा So congratulations to PVR for bringing 4DX to India. Thank you so much. Thank you so much, sir. So last time jab, uh, when I launched a property with PVR, I think uh, they were close to touching 500 uh, properties in India. And I think now uh, I've been told ki it's almost 625 theaters uh, pr pr all around our country, which is, I think, an amazing feat. And uh, it's, it's, it's amazing for us also that PVR is a partner with us on October as well. So thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you so much for sharing your experience. You know, this is such a motivation which you give us. And uh, thanks a lot for all the support and love. Now, uh, you know, people are really eagerly, and you know, they have that curiosity in them. दे आर वेटिंग फॉर यू नो सो मेनी क्वेश्चन टू आस्क फ्राम दी मूवी अक्टूबर विच इज गोइंग टूगेट रिलीज ऑन थर्ट डीन ऑफ एप्रिल सो नाउ वी विल ओपन दी फ्लोर फॉर मीडिया पीपल टू आस्क डैन जो कि इनका कैरेक्टर नेम है और एक होटल इंटर्न का रोल अदा कर रहे हैं इस मूवी में मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि अब आप लोग एक एक करके अपने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें हाई वरुण

Uh, when I'm doing more light films, जैसे मैं जब जुड़वा करता हूँ मैं तेरा हीरो uh, मुझ पर इतना इम्पैक्ट uh, नहीं होता है बट वेन आई डिम लाइक ऑक्टोबर एंड आई रियली मीन दिस इट डिपैक्ट मी इन वेरी बिग वे लाइक आई थिंक वॉट इज लव आई मीन इट्स अ वेरी इजी थिंग बहुत आसान है बोलना हो कि आई लव दिस आई लव इटिंग पॉपकॉर्न आई लव दिस मोमेंट इट्स लव हैज़ बिकम द मोस्ट अब्यूज वर्ड इन टूडेज डे एन एज एक्चुअली लव का मीनिंग क्या होता है वो तो आई थिंक वी लॉस्ट फा फा से हम लोग को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वॉट वॉट एक्चुअली लव मीन्स एंड वेन आई स्टार्टड ऑक्टोबर आई रिमेंबर वेन आई स्पोक टू सुजीत द आई सेट कि तो मतलब क्या होता क्या है मतलब सो इज लाइक तेरे को पहले किसने समझाया था लव का मीनिंग सो आई सेट माई मदर एड एक्सप्लेन मी बचपन में और मैंने बहुत सीरियसली ले लिया था उस वक्त दिस मीन्स लव एंड दिस फीलिंग मीन्स लव एंड आई रिमेंबर दादा आई वुड ऑलवेज आस माई मदर दैट यू नो आई लव यू माँ बिकॉज यू डू सो मच फॉर मी यू ऑलवेज दे आई गेट हर्ट यूल पुट अ बैंडेड आई डोंट गेट स्लीप यूल कम एंड यूल पुट मी टू स्लीप सो आई लव यू यू ऑलवेज डूइंग फॉर मी बट वाई डू यू लव मी बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग फॉर यू राइट नाउ मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं तो बच्चे हूँ मैं तो न्यूसेंस हूँ आपके लिए हमेशा मांगता रहता हूँ चीजें and uh, she said when you understand that you'll understand the real meaning of love varun and uh, almost when we went through this film uh, i kind of realized that if you have love you actually don't need anything else you'll be happy in whatever situation you are in and wherever you are if you just find that pure love and which is almost like how a mother loves her child shujit hi this side uh, on your right swati uh, your film's title is october so october kya hai is it a character which is played in the film what is october uh, well um, uh, if you see on the trailer it's written feel october um, so um, uh, you will have to watch the film to f uh, to understand uh, it's got a very nothing deep in terms of in the meaning it's a very simple association in the film in october uh, in my film uh, normally, there is always a connection with the title, it's not just that the title. Uh, even if it's a Piku or a Pink, you know, it has some, uh, uh, some little meaning to it. But I think once you experience the film October, you will find out the relationship why the film is titled October. So, Can we say that it is a fresh take on the love? Uh, I don't think there is any fresh take. There is only one take on love. Uh, there is not many, uh, you know, explanations for love. लव इज बिटवीन टू पीपल एंड ओनली दो टू पीपल अंडरस्टैंड वॉट लव इज चाहे मैं कितना भी छाती ठोक के बोल दू आई लव यू इट डजेंट मेक एन ई सेंस अन फील इट सो आई थिंक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन लव जिसने कहा कि मैं शायद हूँ लव मिज इसलिए बना दिया मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बट आई ओनली नो माई जिंदगी के दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन बिट ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस विच हैप इन टू थाउजेंड फोर विच आई एल टॉक टू यू लेटर वेन द फिल्म रिलीजेज आई कॉन्ट टॉक नाउ बट इट इज इट इज बिटवीन टू पीपल वॉट दे फील जैसे इन्होंने कहा कि it's an abused word, love. Uh, but ये जरूर है कि हम लोग क्या महसूस करते हैं मैं उसको सामने लाने की कोशिश किया है थ्रू दिस फिल्म वरुण जी मेरा नाम समीर है हाँ जी समीर कैसे हो बढ़िया सर आप कैसे बढ़िया मज़ा बरसात का चाहो मजा बरसात का चाहो तो मेरी आंखों में आ बैठो वो बरसों में कभी बरसे ये बरसों से बरसती हैं हर फिल्म में एक्टर नए अवतार के साथ आता है लेकिन इस फिल्म में आपकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं आपकी आंखों में कशिश है तो ये तो हमें फिल्म में पता चल जाएगा कि आंखें क्या कहना चाहती हैं लेकिन जो इस किरदार को निभाने में जो आपकी पर्दे के पीछे कहानी है इस किरदार को जीवित करने के लिए अगर आप बताना चाहें तो देखिए मेरा जो सफर रहा है अभी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ पाँच साल हुए छः साल तकरीबन और वॉट हैपन्स फॉर एन एक्टर दैट हम लोग हमेशा अपने करियर को चेज कर रहे हैं तो एक गोल्स uh, होते हैं जो कभी कभी मीडिया सेट करती है या कभी कभी फैन सेट करते हैं या कभी कभी आउटसाइड प्रेशर की वजह से यार मुझे ये करना है ना आई वॉन्ट टू मेक सो मच मनी देन फिर ये होना चाहिए वो होना चाहिए एंड दीज आर आउटसाइड थिंग्स विच आर सेट फॉर यू वेरी रेयरली एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है या एक ऐसा स्टोरी आ जाता है जो uh, निर्देशक या क्रिएटर्स के दिल के इतने करीब होता है हेलो और जब आप वो सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एंड इट्स एंड इट्स इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट समवे क्योंकि लोग मुझे बोलते रहते हैं कि ओ योर अथथ आई कॉन किड्स रियली लिसन टू यू एंड वॉट यू नो एक्चुअली टेल दैम यू नो आई डू फिल्म विच मेक पीपल लाफ इट एंटरटेन्स दैम आई एम ग्लैड आई गेट टू डू दैट आई एम वेरी हैप्पी आई कैन पुट अट स्माइल ऑन पीपल्स फेसिस बट मुझे ये भी कहना है कि जिंदगी क्या है क्योंकि जिंदगी हमेशा हंसी नहीं होती है जिंदगी हमेशा खुशी नहीं होती है ज़िंदगी इज इट इट्स अ मिक्सड बैग यू नो इट्स ऑलमोस्ट अ मिक्सड बैग ऑफ ऑफ हैप्पीनेस सैडनेस ऑफ लॉड ऑफ थिंग्स सम वे दिस दिस फिल्म हैज़ कम टू मी एट द राइट टाइम मैंने हमेशा ये कहा था कि मुझे इस फिल्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस फिल्म में अराउंड तीस न्यू कमर है मेरे साथ में बट मुझे इस फिल्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस वक्त मेरे जिंदगी में और इस फिल्म ने मुझे ऑलमोस्ट इट्स गॉट मी इन टच विद जो असली वरुण है ये नहीं जो मतलब बाल कोई और बनाता है कपड़े कोई और लेके आता है कि ये पहन लो आपको ऐसा लगना चाहिए मूँछ के साथ आप मतलब नाकॉस के पाबलो ऐसे उबार की तरह लिख लो ये सब लोग कहते रहते हैं ये सब दिस इज ऑल आउटसाइड थिंग्स बट द रियल वरुण द रियल वरुण हु वांटेड टू बिकम एन एक्टर हु वॉन्टेड टू डू दिस टू प्ले अ कैरेक्टर दैट वॉज डीप डाउन द इनसाइड और वो बाहर नहीं आ रहा था और मैं ऑनेस्टली बहुत बहुत बहुत, बहुत थैंकफुल हूँ सुजीत दा जूही

सर जैसे कि शुरू से ही आप एक मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म करते हुए आ रहे हैं जिसमें सक्सेस की गारंटी जो है 100 रही अभी तक आपने तो, नौ अभी ये, ये मुझे अच्छा ओके okay. uh, uh, मतलब एक सॉफ्ट रोमांटिक कॉमेडी एक फिल्म करने की आपको जरूरत पड़ी पहले तो मैं बता दू ये फिल्म सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल इट्स नॉट अ लव स्टोरी इट्स अ स्टोरी अबाउट लव इट्स अ स्टोरी अबाउट लाइफ आई थिंक ये फिल्म ऐसी फिल्म है जहाँ आप uh, आपको बहुत सारे इमोशन्क्सपीरियंस हो गए बट आप जब बाहर आओगे इस फिल्म में तो एक अलग टाइप का इंट्रोस्पेक्शन होगा ये वी आर बींग वेरी ऑनेस्ट विद द मार्केटिंग ऑफ दिस फिल्म विद द ट्रेलर बहुत आसान होगा ढूंढ ढाम ढाम करके स्पेशल इफेक्ट्स बाइक के शॉर्ट्स लगा के जहाँ मैं गिरता हूँ उठता हूँ लुक देता हूँ वो भी काट सकते थे हम लोग बट आई थिंक दादा इज़ अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म मेकर एंड ही वॉन्ट्स पीपल टू एक्सपीरियंस दिस फिल्म और मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता उस फिल्म के बारे में क्योंकि ये इनका हाथ है यह फिर उड़ जाएगा इधर से बट ऑनेस्टली देर इज़ अ लॉट मो इन ऑक्टूबर विच वी आर पर्पसली नॉट शोइंग यू बिकॉज लाइक ई सैड इट्स बेस्ड इनके ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है जो इनके ज़िंदगी में कुछ हुआ था टू थाउजेंड फोर में जब मुझे पता चला कि ही वेन थ्रू समथिंग And I realized that he was brave enough as a human being to share that with the world because he wanted people to learn from that. I was blown away. I was like, I was like, this is, I mean, you really have to have guts to do that, you know, to put a part of your life out there for people to see, to judge, to uh, feel. So I think it, it, it's it, it's a lot of bravery, honestly, to do that. I, I, I would be very scared to do something like that with my life. हेलो वैलकमर सवाल है वरुण रिसेंटली आप सुपर डांसर के ग्रैंड फिनाले पे आप गए थे तो वहाँ एक कंटेस्टेंट है ऋतिक जैन का नाम है जिनका एजुकेशन का पूरा खर्चा आपने लिया है तो उसके बारे में कुछ मतलब बताएंगे मतलब क्यों ऐसा आपको आई मीन क्यों ऑनेस्टली आई आईव रीच द पॉइंट इन माई लाइफ दैट गॉड हैज गिवन मी अलॉट बिकॉज ऑफ यू पीपल फैंस सो इफ आई कैन डू अ लिटिल बिट फॉर सम एंड ऑनेस्टली इट्स अ लिटिल बिट ओनली एंड दैट बॉय डिजर्व इट

ये yeah, एक्चुअली सवाल मैं एक्चुअली सुजीत दा को पूछना चाहता हूँ क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी एक छवि है hmm. तो वाई वुड आई मीन अ फिल्म मेकर लाइक सुजीत सरकार वॉन्ट टू कास्ट मी नोइंग दर माई पास्ट इज विथ सो मेनी फिल्म सो मतलब क्या देखा आपने क्यों क्यों अच्छा मैं बहुत देर से चुप बैठा था सो <laughs> so, uh, नहीं वरुण एक दिन मेरे ऑफिस में आए और हम ये किरदार डैन का जो किरदार है उसके लिए हम लोग कास्टिंग कर रहे थे एक्चुअली uh, हम लोग कोई फ्रेश कास्ट ढूँढ रहे थे नया किसी को ढूँढ रहे थे uh, तो मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि मतलब वरुण वुड बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म लेकिन वो मेरे ऑफिस में आए और वो जिस तरह से आए uh, जिस तरह से एंट्री लिया जिस तरह से वो मेरे सामने बैठे जिस तरह से इनकी आंखें बात करने लगी uh, तो मुझे इमीजिएटली uh, लगा कि मेरा जो कैरेक्टर है डैन वही बैठा हुआ है और मैंने इनके बारे में जो पहले सुना है जाना है जो भी चीज़ देखा है जो ये कह रहे थे बाल बनाने वाला जो इनकी स्टारडम है जो इनके फैन वो ये वो नहीं है ये कुछ और ही इंसान है शायद जो हमने देखा नहीं है एंड इस फिल्म में आई हैव ओनली एक्सप्लोर्ड दैट पार्ट वट वरुण एक्चुअली इज वाट रियल वरुण इज़ आई हैव जस्ट ट्राई टू मोल्ड हिम टू दैट की एंड मैंने उनको एक ही बात बोला कि आई यू एन ऑनेस्ट पर्सन

झूठ नहीं बोलोगे अगर झूठ बोला और किसी ने आपको बोला कि क्या ये सच है नहीं यार ये झूठ बोला था मैंने उसी वक्त बोल दो इट्स सो लिबरेटिंग बट डिफिकल्ट और ये आई थिंक दिस इज़ हिज दिस इज हिज़ ब्रिलियंस तो जब भी मैं कुछ कर लेता सीन में अगर मैं सपोज ये कैमरा है अभी कैमरा के लिए आप फेसिंग लेते हो ऑब्वियसली एज एन एक्टर ताकि आप दिखे तो कोई मेरे साथ इधर बात कर रहा हो तो मैं एक्टर नहीं भाई साहब आप इधर आ जाइए तो मैं ऐसे बात करता हूँ तो, ऑब्वियसली मैं दिखूंगा तो सुजीत दा आते थे ऐसे वट बाई वॉट बाई यूड सो ऐसे नहीं दर ट्रिकिंग फेसिंग सो आई दिन यहाँ थोड़ा सा दादा लुक दैक दिखाओ तो आई सर इस हाँ इतना खूबसूरत लग रहा है और ऐसे दादा मेरी बैक बैक दिख रही है तो क्या हुआ बट पीपल कैन फील योर सोल तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में सो दिस फिल्म जस्ट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर दैट इवन अगर मैं आप लोगों से ऐसे भी बात कर लूँ मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मैं दिल से बात कर रहा हूँ तो आपके दिल में वो वो बात हाय पहुँचेंगीय uh, मैं ऑडियो पर <laughs> तो सर आपकी जो मूवीज़ होती है उनमें जैसे स्मूचिंग किसिंग और भी काफ़ी सारे सीन्स होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोसाइटी को थोड़ा सा गलत डायरेक्शन दिखा रहा है बट आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं तो आपको क्या लगता है क्योंकि अभी ट्रेंड चल चुका है कि बॉलीवुड की जो पहली मूवियाँ थी वो काफ़ी साफ सुथरी होती थी और अब जो मूवियाँ आ रही हैं उनमें ये चीज़ें बहुत दिखाई जाती है सीन दिखाए जाते हैं तो सोसाइटी कल को आपके भी बच्चे होंगे वो भी देखेंगे

नेगेटिव uh, इम्पैक्ट हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि इतने बच्चे मुझे पसंद करते क्योंकि कहीं ना कहीं और हर फिल्म में स्मूचिंग तो नहीं होता बट इफ़ देर आर टीन एंड इफ दे डू दैट दैट्स रियलिटी क्योंकि कई कई बार ये भी आरोप लगाया जाता है कि यार ये तो ज़िंदगी में होता ही नहीं है ये लोग ऐसे थोड़ी बिहेव करते लोग ये तो बहुत फिल्मी है ये बहुत अलग है रियलिटी से बट ऑब्वियसली एक एक दायरे में दिखाया जाता है बट लेट मी इवन टेल यू दैट कि अक्टूबर इज अ यू रेटेड फिल्म Which is, सब लोग देख सकते हैं फिल्म इट्स फॉर एवरी वन बट कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये गलत दर्शा रहा है uh, लोगों को तो मैं कोशिश करूंगा कि ये चीजें मैं नहीं रख uh, कि मुझे किस नहीं करना चाहिए फिल्मों में। uh, last question. Uh, last question. Uh, आपने मैंने कई जगह पढ़ाया आपने कहा इधर इधर आपने कहा कि इस फिल्म इस को करना मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट में से एक है तो ऐसी कोई खास चीज़ जो जिससे आपको ये लगाओ कि ये मेरी अचीवमेंट है इस फिल्म की ऐसी कोई खास चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हमेशा एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ दियर से कहा था कि मैं uh, दादा के साथ काम करना चाहता हूँ फर्स्ट इंटरव्यू में कहा था तो मुझे नौ फिल्में लग गई उन तक पहुँचने के लिए तब मैं जाके उनके ऑफिस में बैठ के उनको बोल सकूँ कि दादा आई वॉन्ट टू वर्क विद यू प्लीज टेक मी इन अ फिल्म जब uh, विकी डोनर आई थी तो उसी साल में स्टूडेंट ऑफ दियर आई थी और मैं मुझे याद है आई वॉज वेरी जेलियस ऑफ आयुष्मान क्योंकि मैंने बोला यार कि कैसे कर दिया इसने सच ए गुड रोल सच ए गुड एक्टर और मैंने यहाँ भी देखी थी उसके पहले डी वी डी पे यहाँ भी देखी थी अपने ब्रदर के साथ सो आईव लव वे ही वर्क सिंस देन और बट इन फैक्ट आई वॉज क्वाइट शॉकड वेन ही टुक मी फॉर द फिल्म आई एम नॉट जोकिंग क्योंकि आई वॉज थिंकिंग सुजीत सरकार वरुण धवन बहुत अलग मतलब कोई मिश्रण है ही नहीं क्यों ले गए वो मैंने बोला मैं बोल देता हूँ मेरा क्या जाएगा मुझे तो काम करना ही है मैं तो दिल से बोल रहा हूँ सडनली उन्होंने बोला ठीक है करते हैं क्या करते हैं तू कब कब शुरू कब करेगा तू ऐसे दादा अभी मतलब मुझे नहीं लगा कि अब अभ, अभी बोलोगे नहीं अभी करते तूने बोला करना है ना अभी करते हैं देन फिर वो टेंशन शुरू हो गया यार अभी हाँ तो बोल दिया उन्होंने अभी मैं गलत ना कर दू आई शुडंट मेक हिम रिग्रेट सो एक्चुअली आफ्टर सो मेनी ईयर्स द फर्स्ट डे वैन वी शॉर्ट द फर्स्ट सीन ऑफ ऑक्टोबर आई वॉज नर्वस आफ्टर मेनी ईयर्स आई फेल्ट दैट माय हैंड्स मेरे जो मतलब पसीना आ गया था मुझमें कि यार मैं मैं करूंगा ये कैसे मेरी लास्ट फिल्म जुड़वा टू थी या जो अलग किरदार था राजा और प्रेम का एंड मैं उस दुनिया से मैं ये दुनिया में आऊँगा कैसे यू नो आई नेवर बिकॉज दिस इज अ फिल्म एम अ डेली हाइट इन दिस फिल्म द्वारका में काम करता हूँ मैं राइडिस ब्लू में रोज uh, मैं बाइक चला के जाता हूँ उधर काम करता हूँ और होटल के सारे चीज़ें सीख लिए थे टेक्निकली बट दिल्ली का जो मतलब बोलने का अंदाज़ था जो बात करने का अंदाज था जो रहने का था, अंदाज था जिस तरीके का जिस तरीके से डैन था दानश वाले वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बट लकीली क्योंकि ये यहाँ यहाँ से हैं तो ये एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं बहुत अच्छी करते हैं मतलब अगर वो थोड़ा आपको सर आप दिखाओगे हाँ एवरी थिंग ऑनेस्टली एवरी थिंग ऑल माई एक्टिंग जितनी भी अच्छी हुई है सब इनके इनपुट्स हैं और जितनी भी बुरी हुई है वो मेरे इनपुट्स हैं बट बट इट्स इट्स अ बिग अचीवमेंट टू वर्क विद अ फिल्म मेकर लाइक हिम हेलो सर सर लास्ट क्वेश्चन या सर या हेलो सर आई वांट टू आस्क लाइक यू हैव डन अ लॉट ऑफ कॉमेडी मूवीज बिफोर एंड नाउ यू आर डूइंग दिस सीरियस मूवी सो यू आर गेटिंग अ चूजी और अ सिलेक्टिव फॉर द स्क्रिप्ट्स या आई एम बिकॉज आई मीन डेफिनेटली आई एम बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है फिल्मों को लेके ऑलवेज एन आई थिंक आई थिंक ही फेसिस दैट एज वेल और मेरे सेंट परसेंट रिकॉर्ड के बारे में आप लोग बात करते हैं इनकी भी कोई फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई है विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग बट आई थिंक मोर देन चूज ही इट्स लाइक जो दिल को छूती है कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे लोगों को हंसाना है

बट uh, अभी मेरे में बहुत भूख थी ये फिल्म करने के लिए अक्टूबर सो आई थिंक वो बेसिकली आई कूडन स्माइल एनी यार मुझे मतलब मुझसे हंसा ही नहीं जा रहा था या किसी को हंसाने की वो चाह नहीं आ रही थी आफ्टर डूइंग दो फिल्म सो अक्टूबर भगवान ने करेक्ट वक्त में जल्दी ले आए मेरी जिंदगी में uh. मैंने अभी जवाब दिया उनका क्यों मैंने रखा अक्टूबर का फिल्म वो आप जब देखेंगे बट मुझे किसी ने कहा है कि मेरे फिल्मों का मैंने ग्यारह जो बाकी जो रह गए महीने वो भी मैं बुक करके कर रखा है कभी फ्यूचर में होगा तो लगा दूंगा एक एक बात मैं आप लोगों को कह कह दूँ कि हम लोग ने शूटिंग इस फिल्म की दिल्ली में अक्टूबर के महीने में ही शुरू की थी सो एक्चुअली दिस फिल्म हैज़ बीन शॉट थ्रू आउट अक्टूबर इन इन दिल्ली इन लॉर्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ दिल्ली Thank, thank, thank you so much thank you so much uh, thank you so much mr varun and mr shujit for being a part of this thank occasion you, and thank talking you so about much. your मूवी अक्टूबर भाई अगर अक्टूबर मूवी के बारे में ज्यादा जानना है तो आपको सिनेमाज़ में जाके मूवी देखनी जरूर पड़ेगी तेरह अप्रैल को रिलीज़ हो रही है बैसाखी का अवसर है पंजाबी जितने भी है गुरुद्वारा जाने के बाद ये मूवी देख सकते हैं फील लेने के लिए मूवी की और जिनको प्यार नहीं हुआ है स्पेशली कभी जिंदगी में वो जरूर देखें और uh, मैम आप जरूर देखें क्योंकि थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट आपकी भी लाइफ में आ जाएगा सो विद दिस थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल द मीडिया पीपल फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस ओकेजन थैंक यू सो मच सर And uh, here we end this. We sign off. Do experience 40X Auditorium with this movie, October, which is going to get released on 13th April 2018. Thank you so much.